परनोत इलाके में हम मौजूद है, जहाँ की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक डिजास्टर यहाँ पर आई और डिजास्टर में ये हुआ कि पूरा इलाका सिंक हो रहा और 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का रेडियस है पूरा, लगातार यहाँ पर सिंक होता जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए किस तरह एक घर जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हो गया और दूसरा घर जो है उसमें जो है क्रैक्स इतने पड़े हैं कि ये घर जो है कुछ ही टाइम बाद ढह जाने वाला। इस साइड में आप देखेंगे वॉशरूम है, ये भी ख़त्म हो गया। ये जो कच्चा घर मकान था जहाँ हम जानवर वगैरह रखते हैं उसकी तस्वीर ये है कि इस तरीके से है। और ये नज़ारे जो है यकीनी तौर से दिल दहला देने वाले नज़ारे हैं यहाँ पर, जो हमने परनोत इलाके से लगातार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ के मंजर है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या, देखिए आप क्या हालत बनी हुई है। ये खतरनाक रास्ता यहाँ बना हुआ है, खतरनाक जगह है। हमारे साथ कुछ लोग मकामी लोग मौजूद है। जी बताइए, आप यहाँ रहते थे, ये तस्वीरें देख के कैसा लग रहा है? दिल खराश है, कितना नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? बहुत खराश है सर, नुकसान की तो बात ही नहीं है, हद से ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, अब ना कोई नींद आती है, पूरी उम्र का मतलब कमाई जो भी इंसान करता तो ये इसी गृहस्थी के लिए करता। आज ये छोड़ के भागना पड़ा, बहुत सारे लोग इधर से भागे, अभी चल ही रहा है, कोई रहने का तो है नहीं, घर पूरे डैमेज हो गए, रास्ते डैमेज हो गए, पूरा एरिया जा रहा है। तो आपके प्रशासन से क्या गुजारिश करेंगे? आप लोगों को दोबारा ज़िंदगी शुरू करनी है बाल बच्चों के साथ, क्या उम्मीदें हैं आपको? बस यही उम्मीद है सर प्रशासन से कि कोई किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमको कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि दूसरे जगह पे कोई शटल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप भी यहीं रहते थे, आपके घर भी यहीं पे थे? क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है सर। अच्छा जी, पूरे घर निकल गए? पूरे घर निकल गए, पूरी जमीन निकल गई। अच्छा जी, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम रह रहे हैं जी पंचायत घर में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा जी, मतलब आप खुले आसमान तले आने पे मजबूर हो गए। जी जी, तो क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या गुजारिश करेंगे आप, क्या करेंगे मदद करने के लिए? मदद करने के लिए सर। अच्छा अच्छा, आप मदद चाहते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर पाए? जी सर। ठीक है ठीक है, तो ये मकामी लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी यही गुजारिश है कि दोबारा ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये मंजर है, ये तस्वीर है जो हम आपको लगातार न्यूज़ 18 की वसादत से दिखा रहे हैं कि किस तरह की तबाहकारियां जो है यहाँ पर इस लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की वजह से पेश आई है। लोगों के घर जो है यहाँ पर 50 से 60 घर, इसी तरह यही तस्वीर हर घर की है, यही हाल जो है हर घर का बना हुआ है और पूरा टूट के कचुमर हो गए हैं, घर टूट गए हैं, उनकी गृहस्थी सब सामान यहाँ इसके नीचे दब गया, लोग घरों से सामान नहीं निकाल पाए क्योंकि उस आपदा ऐसी थी, अचानक ये आया कि लोगों को मौका ही नहीं मिला यहाँ पर संभलने का कि वो घरों से सामान निकाल सके, कुछ कर सके। लेकिन फिर भी जानी नुकसान नहीं हुआ, बड़ी बात ये थी कि जानी नुकसान हुआ। यहाँ पर मैं थोड़े मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ सामने एक मंदिर है उसमें भी क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए, देखिए सामान किस तरह, ये जो पूरा जो घर का जो बीम्स वगैरह थे वो सब टूट के बिखर गए हैं, ये रास्ता यहाँ से है, देखिए रास्ते की हालत क्या बनी हुई है, रास्ता भी पूरा क्रैक हो गया है, टूट गया है, ख़त्म हो गया है और ये पूरा इलाका जो है लगातार सिंक हो रहा है और सिंकिंग की वजह से पूरे इस गूल संगलदान सड़क राबते को भी नुकसान पहुँचा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ की बिजली का तरसीली निज़ाम, वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो गया। ये मंदिर की तस्वीर है, देखिए किस तरह क्रैक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, शुरुआत से आप देखेंगे कि ये क्रैक्स ऐसे है कि ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कल की तस्वीर यहाँ कुछ और थी और अभी की तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है आपको, देखिए ये मंदिर है, यहाँ मंदिर में भी क्रैक्स पड़े हुए हैं और ये इसी तरह के मनाजर यहाँ से आगे के घरों में भी आप देखेंगे। यहाँ की दीवार जो है, देखिए दीवार किस तरह फट के यहाँ पर गिर गई है। तो ये कुदरत का हम कहर कहेंगे इसे, यहाँ इस परनोत इलाके में जो पेश आया है उसके बाद जो है यहाँ मंजर जो अलग हो गया, लोगों को घरों से शिफ्ट किया गया, पहले वो टेंट्स में रह रहे थे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दूसरे लोकेशंस पर शिफ्ट किया हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए लोगों के घरों का सामान, चावल वगैरह थे सब यहीं पर रह गए, आलू आपको दिख रहे हैं, जूते दिख रहे हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर छूट गया उनका और यहाँ से वो निकल नहीं पाए। आप यहाँ से अंदर की तस्वीरें देखो, किस तरह बच्चों के कपड़े हैं, किताबें हैं, बिस्तर है, सब का सब यहीं पे रह गया, वो कुछ नहीं निकाल पाए इन कच्चे घरों से। इन गरीब लोगों के जो है ज़िंदगी भर की कमाई और ज़िंदगी भर का यही था यहाँ पर इनका गुजारा था और ये भी ख़त्म हो गया है। देखिए इस मकान में किस तरह दराड़े पड़ी हुई है, किस तरह ये ख़त्म हो गया, पूरा टूट के तहस नहस हो गया है। ये मंज़र जो है दिलखराश है और लगातार ये जो है इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है। ये देखिए इस तरफ में भी मकान गिरा हुआ है, ये इसका कच्चा मकान था, ये भी गिर गया है, पूरा हर तरफ जो है तबाही का आलम है और ये जो इंटेंसिटी इसकी है लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 की वसादत से कि परनोत इलाके में क्या मंजर हुए जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, लैंड सिंकिंग के बाद ये
पूरा इलाका जब धंसने लगा, देखिए सामने शेड बना, किचन शेड था वो भी, उसके सामने टावर है वो भी, पूरे पेड़ जो है यहाँ, ये सामने आश्रम आपको दिखेगा वो भी टूट के बिखर गया है, और ये पेड़ वगैरह जितने भी यहाँ बाग होता था, इस इलाके में बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, यहाँ पर बाग होते थे, यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, यहाँ अनारदाना बनता था, यहाँ खुबानी बनती थी, तमाम तरह अखरोट है, सभी तरह के पेड़ जो है यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन आज जो है ये सब जो है मिट्टी में मिल गया है, सब चीज़ें मलियामेट होती जा रही है। ये तस्वीरें जो है देखिए दिलखराश है, और हमारी न्यूज़ 18 की कोशिश यही रही कि आप लोगों तक ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें पहुँचाएं। ये देखिए यहाँ घर के हालात क्या है, देखिए किस तरीके से ये घर जो टूट रहा है, और धीरे धीरे ये ज़मीन सिंक होती जा रही है। ये मकान देखिए, इसका जो ये जो पीछे से ऊपर की तरफ उठ रहा है और आगे से नीचे की तरफ धंस रहा है, ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, और ये मंजरनामा जो है कल कुछ और था, अभी कुछ और है, और ये आने वाले वक्त में ये बढ़ता जा रहा है, और लैंड सिंकिंग लगातार होती जा रही है। तो अब अथॉरिटी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम्स यहाँ पहुँची हुई थी, NDRF की टीम्स है, सभी लोग मायना ले रहे हैं कि क्या वजूहत रही होंगी कि इस तरह की बहुत बड़ी ट्रेजडी इस इलाके में पेश आई। फिलहाल इस वक्त यह है कि कम से कम 300 से 400 लोग जो है यहाँ पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए, और 50 से 60 घर है जो मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए हैं, जिन्हें सेफर लोकेशन की तरफ शिफ्ट किया गया है। अब अथॉरिटीज़ भी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को फिलहाल टेम्परेरी रिलीफ दिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी उम्मीद यही है कि एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जाए और एक रिपोर्ट मरतब की जाएगी कि किस तरीके से इन लोगों को दोबारा से इनकी ज़िंदगी बसर करने के लिए इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए प्रनोद से बिलाल बाली।